नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन रेडियो प्लेटफॉर्म में। ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। अगर आपका सपना बीएचयू में एडमिशन लेने का है, आपका सपना बीएचयू में पढ़ने का है और आपने सिटी का एग्जाम दिया है, तो अब क्या प्रोसेस है? आप सभी लोग कई दिनों से लगातार कॉल कर रहे थे, सर सिटी का पेड सीट क्या होता है, पेड सीट के बारे में बताइए। क्या पैसा देने के बाद एडमिशन मिल जाता है? कम नंबर लाने पे पेड सीट से एडमिशन मिल सकता है क्या? बहुत सारे आपके मन में सवाल आ रहा है और आप लोगों ने कई वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, लेकिन आपका डाउट सोल्व नहीं हुआ होगा। मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि मैं पिछले 4 वर्षों से बीएचयू से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपके पास पहुंचा रहा हूं, इसीलिए बने रहिए। मैं बीएचयू से ही यूजी किया हूं, बीएचयू से ही पीजी कर रहा हूं, हर एक अपडेट आपके पास सॉलिड जाएगा, कोई परेशानी लेने की बात नहीं है आपको। सिटी कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन घंटी को ऑल में प्रेस कर दीजिए, कर लेना आप लोग, बाकी हम हैं, हर एक अपडेट आपको मिलेगा। सबसे पहले देखिए बीएचयू सिटी, बीएचयू पेड सीट। मैं सिटी क्यों लिखा हूं? क्योंकि अब आपको पता होगा सिटी का अपना एग्जाम होता है जिसके अंदर में बीएचयू, डीयू, जेएनयू कई यूनिवर्सिटी शामिल है। पहले बीएचयू का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था, तो सिटी का एग्जाम देने के बाद ही आपको बीएचयू में एडमिशन मिलेगा। कई ऐसे होनहार कॉल भी करते हैं कि सर क्या मैं इस सिटी का एग्जाम नहीं दिया हूं, डायरेक्ट मुझे बीएचयू में एडमिशन मिल सकता है? कई ऐसे वीडियो आप यूट्यूब पे देखोगे भी कि डायरेक्ट बीएचयू में एडमिशन ले, ऐसा कोई वो अफवाह वीडियो है, अफवाह फैलाने वाला, ठीक है। अब देखिए बीएचयू के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया है, आपने सिटी का फॉर्म भरा है, बीएचयू को ऑप्ट किया है, चाहे वो बीए कोर्स हो, बीएससी कोर्स हो, बीए एलएलबी हो, बीकॉम हो। और आपको पता है बीए के लिए जनरल टेस्ट लैंग्वेज की आवश्यकता है, बी एलएलबी के लिए डोमेन में लीगल स्टडीज जनरल टेस्ट लैंग्वेज की आवश्यकता है, बीएससी में अगर मैथ ग्रुप है पीसीएम डोमेन में लेना होगा, बीकॉम की बात किया जाए जनरल टेस्ट अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज आपको ये लेना होगा, जितने भी कोर्स सिटी यूजी में शामिल है बीएचयू के, ठीक है, बीएचयू यूजी में। तो ये आपको समझ में आ गया, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे होंगे, आपने बीएचयू को चुना है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया है, 26 जून लास्ट डेट है और आप लोग एक दो दिन के बाद आराम से करवा लेना। हर एक वीडियो आपके पास इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे। देखिए जैसे रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो वहीं पर आपको चुनने को आ जाएगा रेगुलर सीट, पेड सीट। जैसे पेड सीट आप ओप करोगे तो प्लस 700 के आसपास आपको फीस लग जाएगा और रेगुलर सीट का संभवतः पर कोर्स 150 है, बाकी आप देख लेना फीस के बारे में जो हमने देखा है, ठीक है। ये है जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसी समय चुनने का आ जाएगा, अगर उस समय आप नहीं चुनोगे तो बाद में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए जब भी रजिस्ट्रेशन करवाइएगा ध्यान से करवाइएगा पेड सीट रेगुलर सीट है क्या, वही बताने के लिए हम आए हैं। अगर आप लोग वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अब देखिए बीएचयू में एडमिशन की प्रक्रिया 2 प्रकार की होता है, रेगुलर सीट और पेड सीट। मैंने बोला ऑप्ट करने का आएगा, चुन लीजिएगा, पैसे तो लगेगा ही, क्या इसका फायदा है इस बात को भी समझ लीजिएगा। आप अगर जेंडर से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं या एसटी से या और भी कोई कोटा आपके पास है तो इसका फायदा आपको रेगुलर सीट में मिलेगा, लेकिन इसका फायदा पेड सीट में नहीं मिलेगा। पेड सीट में कोई जनरल कोटा नहीं होता है, कोई ईडब्ल्यूएस नहीं होता है, कोई ओबीसी नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई एससी एसटी नहीं होता है, सबके लिए एक कट ऑफ आती है, राइट। मेरे अनुसार पेड सीट क्या है तो मैं कहूंगा, जैसे आप लोग जानते हो ना कूपन का नाम, कूपन यूज करो, उसी प्रकार पेड सीट एक कूपन है जिसको यूज किया जाता है बेस्ट सब्जेक्ट के लिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी, ठीक है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, फीस वगैरह सब कुछ बताएंगे। अब आप लोग कह रहे होंगे सर आपने ये क्यों लिखा 100+ पांडा। देखिए मान लीजिए आपको एग्जाम्पल से समझा रहा है, बीएचयू में अगर पांडा 100 सीट है तो उसका 15% पेड सीट होता है, यानी मान लीजिए बीएचयू आर्ट्स में 800 है, 800 सीट, ठीक है, तो 800 का 15% निकालिएगा कितना आएगा 120, यानी 120 सीट प्लस और बढ़ेगा, ये पेड सीट होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा, जितना टोटल सीट है उसका 15% सीट पेड सीट में होता है। आ गया समझ में? यही 15% के लिए आप लोग कह रहे हो सर पैसा देके एडमिशन लेंगे क्या, या फिर कम नंबर आने पे एडमिशन मिलता है क्या? हाँ कुछ नंबर कम, रेगुलर सीट की तुलना में कुछ नंबर कम वालों को एडमिशन मिल जाता है, ये सच्चाई है, लेकिन अब
लाओगे 350 में 120 नंबर, कहोगे मुझे एडमिशन मिलेगा। हाँ एक चीज और, जैसे कि होगा क्या, जैसे कि अभी आप बीएचयू मेन कैंपस के बाद आप लोग को एफिलेटेड भी चुनना पड़ेगा, एफिलेटेड में भी रेगुलर पेड होता है, तो एफिलेटेड में भी आपको पेड सीट पे एडमिशन मिल सकता है। फीस के बारे में बाद में बताएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ देखिए एनटीए आपका एग्जाम लिया, पता ही है किस प्रकार अभी ले ही रहा है एग्जाम, आपको रिजल्ट दे देंगे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में संभवतः, उसके बाद आपके सामने स्कोर कार्ड आ जाएगा। स्कोर कार्ड में आपने डोमेन को चुना होगा, लैंग्वेज को चुना होगा, जनरल टेस्ट को चुना होगा, जो भी चुना होगा, जो जो क्राइटेरिया उसको आप फॉलो कर रहे होंगे। जैसे बीएचयू बीए के लिए 350 नंबर पे मेरिट बनेगा, क्यों, 250 जनरल टेस्ट, 200 लैंग्वेज का, 50% बीएचयू में ऐड होगा। बीएलएलबी की बात किया जाए तो 550 पे बनेगा, समझ में आ गया होगा, लीगल स्टडी 200 ऐड होगा। बीएससी की बात किया जाए तो 600 पे मेरिट बनेगा। अगर बीकॉम की बात किया जाए तो आपका दो डोमेन एक जीटी 650 पे आपका मेरिट बनेगा, तो इतने नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। कई लोग ऐसे हैं महानुभाव जो बीएचयू का कट ऑफ 400 पे बता रहा है पिछले साल वाला, उनको नहीं पता है क्या हुआ इस बार। खैर कोई नहीं, सही अपडेट के लिए सीटी कॉन्सर्ट के साथ जुड़े रहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब आपके सवाल का हर एक जवाब मिलेगा यहां, लेकिन उसके पहले निवेदन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार मिलते रहना चाहिए सीयूटी कॉन्सेप्ट को, आपको भी ऑल अपडेट मिलेगा सीयूटी यूजी हो या पीजी हो, हर एक चीज के लिए, और ये सबके लिए मैं बता रहा हूं, यूजी पीजी दोनों के लिए काम आएगा, ठीक है। सीयूटी कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर पे भी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे है, ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा मोबाइल नंबर है ऑफिस का, इस पे आप कॉल कर सकते हो, आपकी बात हो जाएगी, आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने पहले ही बता रखा है बीएचयू का जो पेड सीट है वो ज़्यादा फायदा उसके लिए है जो बेस्ट सबेस्ट चुनना चाहता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन। जिससे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका 350 नंबर पे मेरिट बनेगा बीए में, राइट, और उसका आया है 305 नंबर, इसका एडमिशन मिल गया है, इसका एडमिशन मिल गया है रेगुलर सीट पे, लेकिन इसको मिला है सबेस्ट में फिलोसफी। क्या मिला है? फिलोसफी। ये लेना चाहता है क्या, AIC लेना चाहता है या हिंदी लेना चाहता है? अब कहेगा सर मैं फिलोसफी से, तो इसके पास एक और ऑप्शन है, पेड सीट का ऑप्शन है, पेड सीट पे ये जा सकता है, और संभवतः मैंने पहले ही कहा एक कूपन की तरह है, हो सकता है कि इसको हिंदी और AIC वगैरह मिल जाए। आया आपको समझ में? यही जो है सिस्टम है। अब कहोगे सर मान लीजिए रेगुलर सीट का कट ऑफ 350 में गया, कितना, 298, ठीक है, और आपका नंबर 296 है, तब आराम से पेड सीट पे मिलने की संभावना है। लेकिन 298 गया और आपका नंबर 280 के आसपास है तो भी संभावना है, बहुत कम है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पेड सीट का नंबर 4-5 नंबर आगे पीछे है तो आपका एडमिशन होने की चांसेज हैं रेगुलर सीट का जो कट ऑफ आएगा उसके बाद। कट ऑफ भी कई राउंड में आते हैं, जो कि पल पल का अपडेट आपको मैं देते रहूंगा, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है, कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया जाता है। पेड सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया, पेड सीट का अलॉटमेंट होगा, अलग से अलॉटमेंट होता है और इसका कट ऑफ अलग से आता है। जैसे कि पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल पेड सीट का भी बहुत हाई कट ऑफ गया था, क्योंकि पहले जिसको रेगुलर सीट पे एडमिशन मिल जाता है ना उसको भी अलॉटमेंट होता है पेड सीट पे, क्योंकि हो सकता है उसको पसंद नहीं आया होगा सब्जेक्ट, फिर पेड सीट पे आ जाएगा, पेड सीट पे वो एडमिशन ले लेगा, फिर रेगुलर सीट वाला सीट खाली हो जाएगा, फिर रेगुलर सीट पे उसमें स्टूडेंट को पेमेंट लिंक जाएगा, भरा जाएगा, फिर पेड सीट को अगला राउंड में भेजा जाएगा। इसी प्रकार की प्रक्रिया चलते रहती है, ठीक है। अब देखिए हो गया, रेगुलर सीट और पेड सीट में अंतर क्या है, मेरे अनुसार दोनों में फीस का अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि आपको जितना भी सुविधाएं हैं सब कुछ सेम मिलेगा, इक्वल मिलेगा, राइट, दोनों स्थिति में सुविधाएं सेम मिलेगा। पहले क्या होता था कि कोई स्टूडेंट पेड सीट पे एडमिशन लेता था तो उसको हॉस्टल नहीं मिलता था, लेकिन इस बार से अब नियम बन गया कि हॉस्टल उसको भी मिलेगा पेड सीट पे जो एडमिशन लेगा। अब सवाल ये है सर जितना पेड सीट पे एडमिशन लेगा सबको हॉस्टल मिलेगा क्या? नहीं, हॉस्टल का अपना कट ऑफ आता है, अगर आपका नंबर उस दायरे में है तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल की सीट कितनी होती है टोटल नंबर ऑफ सीट का, 10-20% के स्टूडेंटों को हॉस्टल मिलता है, तो आप समझ ही रहे हैं जो ज्यादा बढ़िया स्कोर करेगा उसी को हॉस्टल मिलेगा, चाहे रेगुलर सीट से एडमिशन ले या पेड सीट से। समझ में आ गया होगा आपको, और आपका हर एक डाउट क्लियर हो रहा है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, राइट। पैसे देके एडमिशन पेड सीट पे नहीं ले सकते हो,
बहुत कम नंबर है तो नहीं ले सकते हो। हाँ, इसका एक अपना कट ऑफ आता है। हाँ, एफिलेटेड कॉलेज पर सीट का कट ऑफ कम जाता है तो आप वहाँ पे ले सकते हो एडमिशन। मेन कैंपस का आप ही जाएगा, रेगुलर सीट के ही 10 नंबर के आसपास रहेगा। ठीक है, ये हो गया, मैंने बता दिया। फीस के बारे में देखिए, रेगुलर सीट का जो फीस है मेन कैंपस का 2500 के आसपास। कितना? 2500 के आसपास, यूजी के कोर्सेज की बात कर रहे हैं, राइट। और अगर आप मेन कैंपस के बारे में बता दिए, अगर आप एफिलेटेड कॉलेज की बात करोगे तो उसका फीस किसी में 7000 है, किसी में 10000 तक फीस है। फिर मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर सीट का, ये बात कर रहा हूँ रेगुलर सीट का, ध्यान रखिएगा। और ये बात कर रहा हूँ मेन कैंपस, और ये बात कर रहा हूँ एफिलेटेड कॉलेज। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट एफिलेटेड कॉलेज में पेड सीट पे एडमिशन लेगा तो ये पेमेंट देना होगा, इसके अलावा 10000 और देना होगा, 10000 और देना होगा, टोटल 20000 लगेगा उसका एक साल का। वही मेन कैंपस का 2500 प्लस 10000 फीस देना पड़ेगा मेन कैंपस के लिए। ये है पेड सीट का फीस पेमेंट। आ गया समझ में? आप कहोगे सर मैं पेमेंट दूंगा 10000, मेरा एडमिशन मिल जाएगा। नहीं, आपका नाम मेरिट में होना जरूरी है, कट ऑफ के अंदर होना जरूरी है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। हर एक चीज में बताऊंगा। हाँ, थोड़ा सा कम नंबर पे पेड सीट में वालों को फायदा हो जाता है, मैं बताऊंगा। हॉस्टल के बारे में मैंने बता दिया, ये रहा पूरा अपडेट। आपको अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपके मन में कोई भी डाउट है कॉमेंट में कीजिए, वो डाउट पे हम वीडियो बना के आपके पास पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।